बम्बई वाली बगीची में चल रही भागवत कथा के पांचवें दिन सोमवार शाम भगवत आचार्य दिनेश दीक्षित ने भगवान की बाल लीला का मनोहर वर्णन करके सबको भाव विभोर कर दिया। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धन गौधन है। दुनिया गोविंद के पीछे चलती है, किंतु गोविंद गौ माता के पीछे चलते हैं। जिसके आंगन में गाय रमाती है वह घर गौरवशाली होता है। घर में कुत्ता नहीं गाय पाले। इस देश में अगर हर हिंदू एक गाय पाल ले तो हिंदुस्तान स्वर्ग और विश्व गुरु बन जाएगा। बम्बई वाली बगीची में चल रही भागवत कथा के पांचवें दिन सोमवार शाम भगवत आचार्य दिनेश दीक्षित ने भगवान की बाल लीला का मनोहर वर्णन करके सबको भाव विभोर कर दिया। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धन गौधन है। दुनिया गोविंद के पीछे चलती है, किंतु गोविंद गौ माता के पीछे चलते हैं। जिसके आंगन में गाय रमाती है वह घर गौरवशाली है। घर में कुत्ता नहीं पाले गाय पाले। इस देश में अगर एक हिंदू एक गाय पाल ले तो हिंदुस्तान स्वर्ग और विश्व गुरु बन जाएगा। और यहाँ हम पिछले चार दिन से भागवत सुनने आ रहे हैं भगवत आचार्य पंडित दिनेश दीक्षित जी के मुख से, और हमें बहुत आनंद की प्रति हो रही है ये भागवत को सुन के प्रथम बार, क्योंकि आधुनिक समय में हम इन चीज़ों से पिछड़ते जा रहे हैं और इसके द्वारा हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं। नहीं, हमने ये सीख ली है कि जो ये भागवत की कथा का आयोजन है वो हम तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो नहीं जानते इस चीज़ को, तो हम उन्हें ये बताना चाहेंगे। और हमें तो ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं आगरा में आई हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भागवत सुनने का, जो कि पंडित जी बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, बहुत सुंदर विचार। शिक्षक दिवस पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। प्रभु ने निराश और हताश अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वे युद्ध से लड़ने के लिए तैयार हो गए। गोवर्धन लीला के प्रसंग में, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मोय मरुआ भजन पर सब लोग झूम झूम कर नाचे। महेश चंद शर्मा, पूजा शर्मा, मधुसूदन शर्मा, बरखा अग्रवाल, विनीता मित्तल, राजकुमार पथिक, दिव्या चौहान, डॉक्टर लोकेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्रद्धा दीक्षित ने बताया कि कथा के छठवें दिन मंगलवार को भगवान के विवाह महाराज और रुक्मणी विवाह की कथा होगी।